सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस, इस फोटो एडिटिंग में गाइस जो है मैं कुछ बैकग्राउंड पेज जिसका मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि गाइस आप लोग जो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, ताकि जो मतलब मैं वीडियो जो है मेरा काफी मतलब इजी करके आप सभी के लिए शॉर्ट में वीडियो बनाया है, ठीक है। मतलब आपको कंप्लीट समझाऊंगा मैं, ताकि आप लोग ज्यादा बोर ना हो वीडियो को देखते हुए, ठीक है। तो आप लोग मतलब दो ढाई मिनट की मैंने वीडियो बनाई है, तो आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। बाकी गाइस, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की हो तो प्लीज आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि गाइस आप सभी के लिए आपसे जो है रेगुलर वीडियोस आना स्टार्ट हो गई है गाइस, ठीक है। तो आप लोगों को जो है हर तरीके के कंटेंट यहाँ पे मिलेंगे, मतलब फोटो एडिटिंग एंड फोटोग्राफी से रिलेटेड। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो बाकी चलिए गाइस, आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, आप सभी को सबसे पहले तो इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, इसका जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया आप सभी को, ठीक है। तो आप सभी को करना है क्या गाइस, आप लोगों को चले जाना है ऐसे ऐड फोटो में, एंड गाइस यहाँ से ऐड फोटो में जाने के बाद आप सभी को अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड कर लेना है। एंड गाइस, जैसे आप अपने मॉडल को ऐड करोगे गाइस, आप लोगों को जो है कुछ हाइट वगैरह इतनी कर देनी है, ठीक है। मतलब आप जो मतलब ये जो आप पहले से यहाँ पे जो मैंने ये जो केतली सी लगा रखी है, आप उसका ध्यान रखना, ठीक है। उसके हिसाब से आप सभी को जो अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो आप लोग जैसे यहाँ पे इसको मॉडल को ऐड करोगे, तो गाइस आपका जो मतलब केतली में से जो चाय गिर रही है गाइस, वो आपकी कप की तरफ गिरनी चाहिए, ठीक है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी उसके बाद आप सभी को इसके लिए एक पीएनजी दूंगा गाइस, ठीक है। जो ये चाय है जो केतली में से गिर रही है उसका पीएनजी, ठीक है। तो इसको पीएनजी का आपको सिंपली यहाँ पे गाइस इस तरीके से यहाँ पे आपको ऐड कर देना है, ठीक है। बाकी आप इसको मैच करा लेना, और बाकी कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट हो तो आप उसको इरेज कर सकते हो, ठीक है। जैसे गाइस मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा, तो इरेजर टूल में जाएंगे, इरेजर टूल में जाने के बाद हार्डनेस को फुल कर लेंगे, एंड यहाँ पे गाइस हम फोटो जूम करके यहाँ से जो इरेजर से क्लिक करके हम यहाँ पे इरेज कर लेंगे इसको, ठीक है। एंड बाकी गाइस थोड़ा सा ऊपर से भी इरेज कर लेते हैं, क्योंकि गाइस पूरा तो मतलब कि सेम नहीं करना चाहिए ना, मैं मतलब कि जो पीछे पहले से था तो हम उसको भी रखेंगे, और जो ऐड किया उसको भी रखेंगे, ठीक है। तो बाकी इतना हो जाने के बाद आप सभी को फिर करना, आपको सिंपली अपनी फोटो को जो यहाँ पे डन कर लेना है, ठीक है। एंड बाकी अगर आप लोगों ने फोटो स्मूथ वगैरह नहीं किया होगा तो आप लोग उसको कर लेना गाइस, अगर नहीं आता तो गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है सभी चीज के ऊपर, ठीक है। तो आप लोग सारी वीडियो देख सकते हो नीचे, एंड बाकी आपको इस पार्ट टाइम हो तो आप देख लेना वीडियोस को, ठीक है। बाकी आप यहाँ से हम जो है फोटो को सेव करते हैं, लेके चलते हैं लाइट रूम ऐप में। अब लाइट रूम ऐप में ले जाने के बाद पहले तो हम इसको लाइटिंग में जाकर इसकी जो कॉन्ट्रास्ट इसको बढ़ा देंगे, जो हाईलाइट है इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा माइनस कर देंगे, एंड जो शेडो है इसको भी थोड़ा सा कम कर देंगे, एंड जो व्हाइट है इसको भी थोड़ा सा कम कर देंगे, फिर जो ब्लैक है इसको इंक्रीज कर देंगे, फिर जाएंगे कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद पहले हम इसका वाइब्रेशन बढ़ाएंगे, फिर इसका जो टेम्परेचर इसको थोड़ा सा कम कर देंगे, एंड जाएंगे उसके बाद कलर मिक्स में। कलर मिक्स में जाने के बाद ऑरेंज कलर को पहले सेलेक्ट करेंगे, ल्यूमिनस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, एंड उसके बाद जो सैचुरेशन है उसको थोड़ा सा कम कर देंगे। फिर जाएंगे येलो कलर में, इसका ह्यू हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, एंड सैचुरेशन प्लस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप सभी को करना, आपको जाना डार्क ब्लू में, आप सभी को यहाँ पे क्या करना, आपको यहाँ पे इसका जो ल्यूमिनस को कम करना है, एंड सैचुरेशन जो है इसको भी कम कर देना है। देन आप सभी को कर देना है डन। डन कर देने के बाद आप सभी को चले जाना है नीचे वाले टूल में। नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको फोटो की क्लियरिटी को इंक्रीज करनी है, फोटो में वीकनेस डाल देना अपनी फोटो के अकॉर्डिंग। देन आप सभी को यहाँ पे जो फीदर का ऑप्शन दिख रहा है आपको सिंपली इसको इंक्रीज कर देना है, एंड उसके बाद जाना नीचे वाले टूल में, फोटो को शार्पनेस कर देना है, फोटो में नोट को जो भी रिमूव कर देना है, मतलब बढ़ा के, एंड जो कलर नोटिफिकेशन उसको भी बढ़ा देना है। तो फाइनली गाइस हमारी जो फोटो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी, तो गाइस आशा करता हूँ आपसे वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी चलें तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।